चंदौसी में निकिता तोमर को श्रद्धांजलि। जनपद संभल की चंदौसी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बल्लभगढ़ में मारे गए निकिता तोमर को श्रद्धांजलि अर्पित करके उसके हथियारों को फांसी की मांग की। हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के नगर चंदौसी के तत्वावधान में फवारा चौक पर बल्लभगढ़ की निकिता तोमर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा की हत्या कर दी गई। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बल्लभगढ़ की बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर उर्फ नीतू पर आरोपित तौसिफ के परिवार की तरफ से धर्म परिवर्तन का दबाव था। 2 साल पहले तौसिफ ने शादी की नियत उसका अपहरण भी कर लिया था। आरोपी की मां भी निकिता के दिमाग में एक दबाव बनाए हुई थी कि तौसिफ से शादी कर लो। इन सब के बावजूद वे अपने स्कूल व कॉलेज में लगातार टॉप करती रही। उसे प्रशासनिक अधिकारी बनने की धुन सवार थी। आरोपी तौसिफ निकिता के स्कूल रावल इंटरनेशनल में 12वीं कक्षा तक साथ ही पढ़ता था। आरोपी स्कूल टाइम से ही उसे लगातार परेशान करता था। हिंदू जागरण मंच भारत सरकार से यह मांग करता है कि लव जिहाद की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए जल्द से जल्द कठोर कानून बनाना चाहिए। भारत के लिए ये घटना शर्मनाक है। दोषियों को मृत्युदंड, परिवार को मुआवजा व सुरक्षा मिले और हम सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं ना हो। कार्यक्रम में मुदित गर्ग, अंशु गोस्वामी, रोहित गोस्वामी, अमित गोस्वामी, जसवीर गोस्वामी, अंशु गोस्वामी, देव वाषणे, शिवम पाल, रजत बजरंगी, राहुल गुप्ता, प्रियंक अग्रवाल, यश अग्रवाल, राजीव कुमार, विक्रम कुमार, मनोज कुमार, हेमंत कुमार, विकास कुमार, आलोक कुमार आदि लोग उपस्थित थे। बहन निकिता जो मात्र 21 वर्ष की आयु की बच्ची थी, जिसके सपने बहुत थे, वायुसेना में वो अपनी सेवा देना चाहती थी और उन्होंने हाई स्कूल से लेकर अभी ग्रेजुएशन तक हाई मतलब हमेशा अपनी क्लास में टॉपर रही हैं। इतनी विद्वान बच्ची और अपने घर की इकलौती लड़की को खोने का गम एक माता पिता से पूछा जाए कि कितना बुरा लगता होगा, जिन्होंने नाजों से अपनी बिटिया को पाला है। आज वो बेटी इस जंगल राज की शिकार हो गई। उस बेटी को तौसीफ नामक इस्लामिक लड़के ने धर्मांतरण कराने हेतु जब उसने मना किया धर्मांतरण के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, तो उसने बीच बाज़ार में उस बेटिया को गोली मार दी। हमें लगता ही नहीं है कि हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं। ऐसा लगता है कि हमारी हिंदू माताएं बहनें जो भी हैं वो एक मुगल काल में जी रही हैं और उनको जब चाहेंगे तब धर्मांतरण कराने वाले आएंगे, उनको उठाकर ले जाएंगे और मन मर्जी से धर्मांतरण करा लेंगे। और जो बहनें धर्मांतरण कराने से इनकार करेंगी उन्हें बीच बाज़ार पर गोली मार दी जाएगी। पाकिस्तान में ऐसे ही हालात हैं हिंदू बहनों के साथ, दलित बहनों के साथ, और यहाँ भी ऐसे ही हालात हैं। ऐसा लग रहा है कि हम पुनः मुगल काल में लौट कर आ गए हैं। हम हिंदू जागरण मंच नगर चंदौसी जनपद संभल मेरठ प्रांत इसकी भर्त्सना करता है, घोर निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि जल्द से जल्द तौसीफ और रेहान या अन्य जो भी इनके साथी गण हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए, बहन निकिता तोमर के साथ न्याय हो, ऐसी हम लोग मांग करते हैं, हमारा संगठन ऐसी मांग करता है।